1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी को देश का सबसे शक्तिशाली नेता मान लिया गया था। हालांकि उस समय छात्रों के दिलों में गुस्सा भी सुलग रहा था। देश में महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बेरोजगारी थी, पर इंदिरा गांधी इन चीजों से बेपरवाह थी। उस समय पैसों से संगठन और संगठन से सत्ता की सोच हावी थी। उन सभी राज्यों से संगठन के लिए पैसे मांगे जा रहे थे जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसे में इंदिरा गांधी का एक फरमान गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल को भी मिला। प्रिय चिमन भाई पटेल, आगामी चुनाव में होने वाले खर्च के मद्देनजर पार्टी आपसे 10 लाख रुपए पार्टी फंड के रूप में पाने की उम्मीद रखती है। इंदिरा गांधी 10 लाख रुपए। आजकल चुनाव लड़ना भी कितना महंगा हो गया है ना। खैर, आला कमान का आदेश है, उसे तो पूरा करना ही होगा। चिमन भाई दिल्ली आला कमान की दोर से बंधे थे। सत्ता बेपरवाह होकर निर्णय ले रही थी। पहली बार सत्ता की मद में खोए चिन्मय भाई को नींद से 1974 में जगाया अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के आंदोलन ने। ये 74 का दौर ऐसा था कि गुजरात में अहमदाबाद में एक एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज आज भी है, उसमें जो मेस बिल था उसमें सिर्फ 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, और 1 रुपये की बढ़ोतरी के कारण एलडी इंजीनियरिंग के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। पहले तो सरकार मान रही थी कि कुछ 100-200 छात्र का यह आंदोलन है, लेकिन यह आंदोलन कब जन आंदोलन बन गया उसको किसी की कल्पना भी नहीं हुई। आंदोलन की अगली तारीख 7 जनवरी 1974 तय की गई। पुलिस से कई जगहों पर छात्रों की मुठभेड़ हुई। गुजरात के 44 शहरों में चिमन भाई ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन असर उल्टा पड़ा। 33 शहरों में लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़क पर पुलिस से ही दो दो हाथ करने निकल पड़े। सड़कों पर जनता का खून बहा तो लोगों के दिलों में गुजरात सरकार के खिलाफ पहले से उबल रहा गुस्सा उफान पर आ गया। लेकिन सत्ता की मदहोशी में खोए चिमन भाई ने मरहम लगाने की बजाय छात्रों को दबाने के लिए सेना बुला ली। अगर चिमन भाई पटेल छात्रों के साथ टेबल पे आके बात करते तो मुझे लगता था कि मामला सुलझ सकता था, लेकिन जब उन्होंने बल प्रयोग किया और सेना को बुला ली तो छात्र तो भड़के, लेकिन उसके साथ जन आंदोलन शुरू हुआ। 167 विधायकों वाली विधानसभा में उस समय कांग्रेस के 140 विधायक थे, लेकिन आंदोलन का उग्र रूप देखकर अब विधायक टूटने लगे। कांग्रेस ओ के मुरारजी देसाई भी आंदोलन के पक्ष में खड़े थे। दिल्ली में इंदिरा गांधी के हाथ पांव फूलने लगे।